सॉरी फॉर यस्टरडे वीडियोस बिकॉज क्योंकि कल ज़्यादा ही मैंने मजाक कर लिया था यार लोगों के साथ और उससे काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए थे। एंड आई विल मेक श्योर दैट कि मैं ऐसे वीडियोज बनाऊँ कि किसी को ऑफेंड ना हो एंड मस्ती भी थोड़ी लिमिट में ही करूँगा यार। एंड उसके लिए फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फोकस करते हैं आज पे और कल पे, आने वाले कल पे। सो आज हमारा लेग एंड शोल्डर का वर्कआउट है, ये आज हमारा रिकवरी सेशन का लास्ट वीडियो है, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे और मंडे से अपने जो बल्किंग फेज है उस पर चले जाएंगे एंड अच्छे से अपना वर्कआउट करते हैं आज के डेज पे। एंड एलिमेंट भी आने वाला होगा, उसको भी मेरा वेट कर रहा होगा। बाकी अपना प्री वर्कआउट मील स्लीप रेस्ट पूरा आपके डन है एंड वर्कआउट फोकस करते हैं, जिम चलते हैं, लेट्स डू इट। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर कल के वीडियो में जो भी, लेट्स गो टू जिम, लेट्स चेंज तो हो गया, बस चल जिम चलते हैं। सो यार मेरे तुम्हारे मन में ना एक बहुत सा सवाल आ रहा होगा कि मैं बल्क क्यों क्यों कर रहा हूँ, कटिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं और मेरा भी कुछ ना कोई रीज़न है, इसलिए मैं बल्क कर रहा हूँ, अगले 6 महीने तक बल्क करूँगा अब क्योंकि अभी 3rd ईयर में है तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो इसलिए फोकस करते हैं पहले बल्किंग पे कर लेते हैं एक बार अच्छे से, कटिंग हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो यार इसे काट देंगे अपेंड हो गया यार, मैं कुत्तों के साथ खेला था ना, तो यार मेरा हाथ में देखो इसे लग गया, वो बच गए थे आपस में। खैर कोई नहीं, अपना जिम जाने का टाइम हो चुका है, चलो जिम तो करके आते हैं वर्कआउट, वो इम्पोर्टेंट है, सो लेट्स गो। आज मौसम कई साफ लग रहा है, अभी सुबह बारिश हो रही थी, अभी साफ है मौसम, लेट्स गो। जय बजरंग जी, बोलो। मंदिर है यहाँ पे हमारा, अरे गली अपनी गलियों की हम हिस्से हैं। हमारा ना वाटर फिल्टर ख़राब हुआ है भैया, है नहीं यहाँ पे, अरे जिम जाता हूँ शाम को, आते हो फिर से मिलूँगा शाम कराने कराने के फिल्टर का, पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है हमारी यार। भैया कहाँ गए? भैया भैया बड़े क्या सो रहा साला, तो तुम्हारा भाई आ गया जिम में। बाकी अपने वर्कआउट को ना थोड़ा सा हल्का रखेंगे आज, लेट्स डू वर्कआउट फर्स्ट, बाकी बातें बाद में करेंगे, बात वर्क करेंगे। पता है एक चीज मैंने नोटिस कर ली है, मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा साइन है मेरे लिए। सो अपना लेग एंड शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट होगा, अभी लेग की मशीन खाली नहीं है तो हम शोल्डर की और पहले शोल्डर कर लेंगे फिर बाद में लेग्स, मतलब जब टाइम लगेगा तब हम शोल्डर तब लेग, ऐसे अल्टरनेट करके चेंज करते हुए करेंगे एक्सरसाइज आज, और इंटेंसिटी वर्कआउट की थोड़ी सी स्लो रहेगी आज कस्टमर। अच्छा
लेग का वर्कआउट और शोल्डर का वर्कआउट दोनों ख़त्म। अब घर चलेंगे, रेस्ट करेंगे एंड आगे की प्लानिंग करेंगे क्या करना है नेक्स्ट फॉरवर्ड डे बेस में। लेट्स गो। अंधेरा हो गया यार, सब चले गए। लेट्स गो। लगता है घर में मेहमान आ गए हैं, देखते कौन कौन आए आज। मुझे पता है ये दो आए हैं। क्या चल रहा है बे? मम्मी आ गई। सो आज लास्ट डे हमारा रिकवरी सेशन का। मंडे से हम बल्किंग पे जाएंगे जहाँ पे नए डाइट प्लान के साथ अपने आप को फोकस करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। कटिंग का सोच नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो बल्किंग पे ही जाऊँगा। बोला गया भाई। सो नहीं डाटा लेते हैं और फिर गुड नाइट कर देते हैं अच्छे से।